टायर का ये देखो आप एक बारी साइज, एंड ये वाली न्यू ब्रांड है तो इसका आप एक बार साइज चेकआउट कर लो, तो दोनों में कितना फर्क लग रहा है अभी ग्रिप के अंदर में। ये पड़ा टायर, ये पड़ा रिम, सो इसको अभी सत्यम की हेल्प से मैं लेके जा रहा हूँ टायर शॉप पे। भाई डिसेंट टायर लग रहा है, एक बार चेकआउट कर लीजिए। अब इसको मैं टेस्ट राइड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपका वेलकम आगरा के अंदर में, लीन बीन मारता हूँ। अरे वाह भाई, क्या ग्रिप दे रहा है, मतलब सॉलिड सुपर। अब देख लो बिल्कुल पतला इंजन है, सो इसका काम ये होता है जैसे आप लोग एक्सीलेटर देते हैं तो Hi guys, welcome back on YouTube. So, बारी आ गई, जैसे मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग टायर चेंज करेंगे, सो हम फटाफट से टायर करने जा रहे हैं। एंड टायर अपना ही रहा दोस्तों, ये आप देख लो अपने पास टायर है, वो खड़ी अपनी बाइक क्लीन होकर के। सो मैं आपको एक बार ओल्ड वाली टायर की, सो सीधी आप देख लो दोस्तों, लास्ट वाला बर्नआउट था 26 जनवरी का, उसके बाद मैंने इसको चलाया नहीं, पैडॉक लगा लिया है। तो मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, इसको यहीं पे डिसमेंटल कर लूँगा, मैं रिम लेकर के जाने वाला हूँ, बिकॉज उन लोगों पे कुछ जुगाड़ नहीं होती है पैडॉक वैडॉक की, तो कुछ अंदर फंसा के करेंगे, गाड़ी गिरे गिरा, इससे बढ़िया मैं यहीं खोल के लेके जाऊँगा। एंड ये रहा अपना टायर दोस्तों, चेक दिस आउट गाइस, थ्रेड देखो, एंड इसके साथ रखे एक बार आप देख लो तो आप समझ जाओगे कितना ज़्यादा फ़र्क है भाई, आप देखो सीधी। तो इसको लगवाते हैं, देन फिर इसका एक बनाएंगे मोटो ब्लॉग, तो आप लोगों को बताएंगे कैसा रहा इसका रिस्पॉन्स। और खोल दिए मैंने यहीं घर पर ही, एंड ये पड़ा है टायर, ये पड़ा है रिम, सो इसको अभी सत्यम की हेल्प से मैं लेके जा रहा हूँ टायर शॉप पे भाई, तो यहाँ जब तक गाड़ी ऐसी खड़ी रहेगी भाई, बाय बाय, मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस फाइनली अपना टायर चेंज हो गया, अच्छा लग रहा है ना, ये देखो आप, तो छोटे मोटे स्क्रैचेस मार दिए हैं उन लोगों ने, पर इसको मैं हल्का सा स्प्रे पेंट मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है, बाकी आप बताओ। और पुराना टायर ख़त्म था भाई बीच में से, ये देखो पूरा दब गया है, बर्न आउट मार मार के बस ज़िंदगी से खिलवाड़ चल रहा था, सो इससे तो बस ऐसे ही सजाने में रख देंगे हम लोग। बाकी इसका आप बताओ ये कैसा लग रहा है ये वाला टायर। ओके दोस्तों, अभी इसका रिव्यू भी दूंगा मैं आपको रोड पर। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, तो 4:45 बज गए हैं, आप देख लो अपनी बीस्ट खड़ी है, एंड अपन ने इसका कर दिया है टायर चेंज, सो आप देख सकते हो भाई कितना डिसेंट टायर लग रहा है, एक बार चेकआउट कर लीजिए। अब इसको मैं टेस्ट राइड करने जा रहा हूँ, और मेरे एक सब्सक्राइबर भी आए हुए हैं भाई 450 किलोमीटर दूर से मेरे से मिलने, सो यार वो कर रहे हैं मेरा वेट, फटाफट उनसे मिलते हैं भैया से, बिकॉज़ उन्होंने मेरे ब्लॉग्स देखकर ही दोस्तों डोमिनार लिया है, और मेरे से बोले भैया आप आ जाइए आपके आगरा में सर्विस कराऊंगा। भाई ये देखिए प्यार कितना ज़्यादा है कि भाई 350-400 किलोमीटर दूर से स्पेशली मुझसे मिलने आए, और ये कह रहे थे सर बस एक बार आप मेरी गाड़ी चला के देख लो, उसके बाद मेरी गाड़ी का जीवन धन, इतना आप लोग प्यार देते हो दोस्तों, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और अभी नया टायर लगा है तो भाई मज़ा सा आ रहा है, फटाफट से मैं अपने सब्सक्राइबर मित्र के पास पहुंचता हूं भाई, कि भाई मैं सब्सक्राइबर को अपना फैमिली का हिस्सा ही मानता हूं, और कहीं अगर मेरे को इतना रेस्पेक्ट देने के बाद में आ रहा है ना मेरे शहर मुझसे मिलने, तो मेरे लिए ये गर्व की बात है जो मैं काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोग इतना अप्रिसिएशन दे रहे हैं, खुशी की बात है मेरे लिए। ये देखो भाई डोमिनार 400। सबसे पहले आपका वेलकम आगरा के अंदर में, कैसा रहा सफ़र? भाई ये देखो सच बताना कि आप यहाँ तक किस लिए आए हो, ऑडियंस पूछेगी। अरे मैं यहाँ तक पर्सनली आपसे मिलने आया हूं। ये देखो दोस्तों प्यार, और कितने किलोमीटर चल के आए हैं आप? मैं आया हूं लगभग 364 किलोमीटर। अब लगा लो आप 364 भाई, भाई 800-900 किलोमीटर मेरे लिए आए हैं यार स्पेशली। भाई ये देखो प्यार, मेरे शहर इतनी दूर मुझसे आप लोग मिलने के लिए आते हो यार, थैंक्स दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरे को इस लाइक वैल्यू दे रहे हो, कि इतना आप मेरे को प्यार दे रहे हो कि इतनी दूर मेरे से मिलने आ रहे हैं। फिर फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ भाई मैं फुल पावर, बिकॉज मैं हूँ अभी थोड़ा जल्दी में, और इनकी बाइक की जो है पहली सर्विस होने वाली है बजाज डोमिनार 400 BS6 2023 में लिए, और जिस शहर से ये बिलोंग करते हैं वहाँ डोमिनार थी नहीं अवेलेबल, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने मेरे चैनल पर अब तक कोई भी ऐसा ब्लॉग नहीं छोड़ा है जो नहीं देखा हो, ये बोल रहे हैं इंडिया के अंदर में फर्स्ट है आपका डोमिनार के कंटेंट के ऊपर चैनल। जी हाँ, हकीकत में अपने चैनल पर जितना इस डोमिनार के बारे में ब्लॉग्स हैं ना उतने आपको कहीं नहीं मिलने वाले दोस्तों, सही बोल रहा हूँ सीरियसली। और
आप लोग बस अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और आज वाले ब्लॉग पे भी आपने भयंकर प्यार दिया, ये समझ लो। आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई टायर का सेक्शन क्या है। टायर सेक्शन दोस्तों सेम है, बस ये सीएट की तरफ से आता है ये टायर, आपका जूम रेड X1, जो कि थोड़ा सा ब्रॉड दिखता है वो देखने में। इसकी ग्रिप अच्छी है, कॉर्नरिंग अच्छी है, डेफिनेटली मुझे फील भी हो रहा है। और भी जैसे जैसे चलाता हुआ जाऊँगा ना मैं, तो मेरे को पता लगता रहेगा ग्रिप रिप कैसी है। बाकी का अभी तक तो मैं आपको सही बोलूँ ना, ऑनेस्टली दोस्तों थोड़ा लीन वीन मारता हूँ। अरे वाह भाई, क्या ग्रिप दे रहा है, मतलब सॉलिड सुपर, एक नंबर यार, एक नंबर भाई, क्या जिक से कट। अरे यार इस टायर पे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ रहा है यार, मतलब कि सीरियसली। आप दोस्तों ये देखो, मैं हैंडल छोड़ चुका हूँ, ये टॉची टॉची आई, इस पर भी ये बढ़िया से संभाल रहा है, तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लग रही टायर की तरफ से। तो टायर अपनी तरफ से भाई पास है। पर आप लोग दोस्तों ये बताइए कि आप लोग किस किस सेट से कमेंट करते हैं, वो एक बार सिटी ज़रूर लिख दीजिए, तो अपने को थोड़ी खुशी होगी कि यार अपने सब्सक्राइबर कहाँ कहाँ हैं। वैसे तो मुझे पता है ऑल ओवर इंडिया हैं, और ये अच्छी बात है अपने लिए यार कि अपने को भाई लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं कि ऑल ओवर इंडिया से अपने को प्यार मिल रहा है यार, और क्या ही चाहिए। उसकी सर्विस होनी है, दिवाकर भाई ये कुछ वाली ब्लैक वाली का कार्ड बना दो, एक सर्विस होनी है, बस ओनली फर्स्ट सर्विस है। सो गाइस लुकिंग दिस, मतलब सुपर बाइक वाला टायर है, आप लोग देख लो, नया आया ये, बिल्कुल न्यूली लॉन्च है। हैं हाँ, टायर का ये देखो आप एक बारी साइज, एंड ये वाली न्यू ब्रांड है तो इसका आप एक बार साइड चेकआउट कर लो, तो दोनों में कितना फ़र्क लग रहा है अभी ग्रिप के अंदर में। एंड जो साइड बॉल है ना, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग से दिख रहे हैं अपने इस डोमिनार के अंदर में। सो इसका अभी मैंने थंबनेल नहीं लिया है, जल्दी मैं इसका थंबनेल भी लेने वाला हूँ यार। बजाज का इंजन ऑयल निकाल चुके हैं, एंड अभी हम लोग डालने वाले हैं लिक्विड मोली 10W50 फुली सिंथेटिक रेस स्ट्रीट रेस। इसका दो वर्जन आता है, एक रेस आता है, स्ट्रीट आता है। एक रेस टॉप ऑफ द लाइन इंजन ऑयल है और मेड इन जर्मनी है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो अब एक बार भी इसका कॉस्ट आप देख लीजिए, कॉस्ट करके 1817 रुपये का एक डिब्बा है, दो डिब्बे लगेंगे। एंड इसके साथ में अपने को एडिटिव डालने होते हैं, जो एडिटिव अपने लगने वाले हैं दोस्तों, वो लगने वाले हैं लिक्विड मोली के MOS2। ये मोलिब सल्फेट होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, ये आपके जितने भी मेटल में कॉन्टैक्ट में आने वाले पार्ट आते हैं उसके ऊपर एक फिल्म बना देता है, जिससे कि आपके घिसावट को 70% तक कम करता है, तो इंजन की लाइफ ऑलमोस्ट 70% बढ़ जाती है। साथ में 3 से 4 किलोमीटर का आपको माइलेज भी अच्छा देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि प्रीवियसली हम डालकर चेक करते हैं अपने डोमिनार 400 के अंदर में। सो अभी ये डालने वाले हैं, एंड मेजरिंग जार आ गया है, और ये गया इंजन ऑयल का डिब्बा। सबसे पहले एक डिब्बा आप डालने के बाद ये दो ट्यूब डालोगे उसमें, ठीक है, फिर बाकी ऑयल डालोगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि बहुत लोगों का क्वायरीज होती है कि फर्स्ट सर्विस पे इंजन ऑयल बजाज का डालें लिक्विड मोली, आप डाल सकते हो, पर उसमें कंडीशन होती है, वो रखा है बजाज का इंजन ऑयल उस साइड, तो खरीद रखा है हमने, बस डाल नहीं रहे हैं, तो सर्विस अपनी बनी रहेगी, वारंटी में भी रहेगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंजन ऑयल का परफॉर्मेंस यार टॉप नॉच है इसका, फिटनेस दोस्तों बिल्कुल पतला होता है इंजन ऑयल, आप देख लीजिए अभी, अगर इसकी जगह बजाज का इंजन ऑयल होता तो काफ़ी गाढ़ा होता है, ये आप देख लो बिल्कुल पतला इंजन ऑयल है। सो इसका काम ये होता है, जैसे आप लोग एक्सीलेटर देते हैं तो दिस इज द मोर हॉर्स पावर प्रोड्यूस इन दिस इंजन, मतलब कोई भी आपका इंजन होता है तो उसके अंदर में हॉर्स पावर को डेफिनेटली डेवलप करता है अच्छे से, और प्रोडक्शन आपको पता है लिक्विड मोली का टॉप ऑफ द लाइन होता है। रेसिंग इंजन ऑयल है, जो कि आपके मोटो जीपी वगैरह सब में यूज़ होते हैं ये इंजन ऑयल्स। सो इसको डलवाते हैं, देन उसके बाद में MOS2, और उसके बाद गाड़ी अपनी रॉकेट। तो ये देख लीजिए बिल्कुल इसका कलर दोस्तों डार्कर ब्लैक होता है, थोड़ा थिक रहता है ये। एंड ये आपको वैसे तो बोलते हैं 1 लीटर के अंदर में 20 ml डालना है, पर हम 2 ट्यूब इसमें सेफ साइड डाल लेंगे, बिकॉज मैंने भी स्टार्टिंग में डाले थे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकला था इससे। एंड अपनी गाड़ी के अंदर में आपको मैंने दिखाया था जैसा कि टायर बहुत अच्छा लग चुका है, आप देखो। सो दोस्तों लुकिंग दिस, चेक दिस आउट गाइस, अभी लगवा करके आया हूँ टायर में। सो आप बता देना इसके लिए भी कमेंट करके आज वाले ब्लॉग में कि भाई कैसा लगा गाड़ी, बाकी अपनी दुरुस्त है, चमचमा रही है। फ्रंट वाला भी टायर मेरा न्यू है, ये देख लीजिए, इसमें बाल्स दिख रहे होंगे आपको, बाल्स जो लगे होते हैं, तो भाई इससे तो मैं हार्डकोर प्यार करता हूँ। बाकी का गाड़ी अच्छी है यार, क्या बोलूँ इसके बारे में, इससे तो बस प्यार है प्यार। सो गाइस फाइनली भाई की सर्विस हो गई है, बढ़िया सी फर्स्ट सर्विस अच्छी हो गई, और अभी देख लो दोस्तों टाइम हो गया है 7:15 बजे का, अभी हम लोग एक गेड़ी मारने जा रहे हैं छोटी सी, गाड़ी चला करके भी देखेंगे। चलो भाई नवीन भाई, थैंक यू। सो होप कि यार आज वाले ब्लॉग में आप लोगों को एंजॉय आया होगा, एंजॉय आया तो फुल क्या करना है, लाइक करना, कमेंट करना, कर देना वीडियो को शेयर यार। टायर डल गया है तो भाई टायर के तो मैं मज़े लूँगा लूँगा, ये देखो क्या भाई साहब,
एक ही हाथ से, ये देखो ये देखो पूरा गाड़ी, चाहे जहाँ मैं मुड़ रहा हूँ वहीं मुड़ रही है। आज भाई फुल मस्ती करेंगे, आज भाई हमारे साथ में ये आए हुए हैं हमारे सब्सक्राइबर, तो भाई इनको थोड़ा बहुत आगरा भी घुमाएंगे। स्पीड खींच के देखता हूँ। ओए होए, ओहो क्या स्टेबिलिटी है भाई साहब इस टायर की, मज़ेदार। अभी भाई बोल रहे थे मेरी गाड़ी चला के देखो, आप मेरी चलाकर देखो, बस सर्विस हुई है अभी लिक्यू मौली के साथ, तो देखते हैं कैसा रिस्पांस रहता है। और भाई मेरी गाड़ी चलाकर बताएंगे कैसा है, है? चलाकर देखिए ना, आकाश चतुर्वेदी की गाड़ी चलाकर देखिए। बिल्कुल, चलिए बैठते हैं दोस्तों, ये होता है प्यार। सो आज भाई फुल पावर मज़ा आ रहा है अपने को, फुल पावर। ये वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जो चार्जर है आगे से दोस्तों वाइब्रेट कर रहा है, देखते हैं इसको खींच कर ना। इसके ब्रेक बहुत स्मूथ है यार। ओ भाई माय गॉड, भाई इसके वाइजर से बहुत आवाज आ रही है। 150 में लीन, ओह माय गॉड। भाई सामने से कोई बंदा आ रहा था, ये तो गलत है, ऐसा नहीं करो भाई, आकाश चतुर्वेदी को मरवाओगे क्या बे। गाड़ी तो काफ़ी मस्त चल रही है, बाकी अपनी जो चलती है ना उसकी यार बात अलग है, वरना अभी भाई आपको बता देंगे। अपनी गाड़ी भाई बिल्कुल डिफरेंट चलती है। हैं? ये बहुत पावर है इसके अंदर। अभी और चलाएंगे, तो चाय बढ़िया सी बना दीजिए। गाइस यहाँ पर हमने मारे गप्पे शप्पे और अभी 8:30 का टाइम हो गया, तो अब हम जा रहे हैं रमादा की साइड बिकॉज फैजल भाई से, यहाँ एक दीदी की शॉप है, इनकी शॉप पे हमने भाई चाय पी। अब जल्दी इसके ऊपर ब्लॉग बनाऊंगा बिकॉज जो क्विक शिफ्टर है उसके अंदर मैं थोड़ा ट्यूनअप के ऊपर मैं और काम कर रहा हूँ। फैजल भाई ने नया कैमरा ले लिया है जिसके लिए भाई को कांग्रेचुलेशन भाई, SJ Cam 6 लेजेंड कैमरा है दोस्तों, ये अपने आप में क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी बिकॉज यार एक्जेक्शन कैमरा भाई के पास जी वे SJ Cam है, दोनों के पास SJ Cam, तो दोस्ती करो ना, हाथ मिलाओ यार दोनों। भाई भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कैसा लग रहा है? सुपर बाइक वाला एकदम सॉफ्ट टायर, एकदम सॉफ्ट है। अरे बिल्कुल एक हाथ से लीन हो रहा है अब तो। भाई से पूछो, उन्होंने नई डोमिनार है, उनकी पहली सर्विस हुई है, उन्होंने चलाई कैसी लगी भाई, अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताइए गाड़ी कैसी थी, है ना फर्क है ना नई में इसमें भी। और इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं है कर लेना, और डिटेलिंग कुछ भी करानी है तो डिटेलिंग बोला आगरा पे जरूर संपर्क करिएगा दोस्तों आप। भाई क्या फुल पावर भाग रही है यार गाड़ी, कंट्रोल के बाहर हो जाती है एकदम से। आ गए हम फाइनली रीचिंग फौजदाटी, पेंडिंग का टाइम आ गया है, और ये अपना पोहा चल रहा है यहाँ पर, आप देख लीजिए। भाई अपना नाम बता दीजिए। विष्णु। कहाँ पर खड़े होते हैं आप? जगह शांति माली हॉस्पिटल। भाई बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने उनका पोहा टेस्ट कर रहे हैं, दिखने में काफी अच्छा दिख रहा है। और भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आगरा का? बहुत अच्छा, थम्स अप आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आ गए अपने फैजल भाई, अभी एक भाई और आ रहा है प्रथम अपना, सुशाव मसाले वाला, मसाला भाई के में डल गया है ये रहा, और मेरा तो ये आ गया विदाउट मसाले। फैजल भैया ये उठाओ, फैजल भाई टेस्ट करके बताएंगे सबसे पहले भाई आज कैसा लगा यहाँ का, दोनों भाइयों से पूछते हैं। एक नंबर आपकी तरफ से, एक नंबर। ओके सो अभी मैं टेस्ट करता हूँ, डिसेंट यार, मतलब मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। टी स्टॉल है उसके जस्ट अपोजिट में भाई लगाते हैं सो एक बार आकर चेकआउट जरूर करना भाई, टेस्टी है काफ़ी। ओके पर हमने खाया पोया और बहुत अच्छा था, औसम था यार, मज़ा आ गया। अरे भाई बहुत बढ़िया, व्हाट्स योर गुड नेम? पूरा नाम बताओ। ओके ओके हाय, बढ़िया भाई, बच्चे का दिल बन गया, दिल खुश हो गया, निकलते हैं, मना नहीं है यार किसी के लिए यार, हम भी छोटे छोटे थे, हमारा भी यार मन करता था कोई यार बाइक दे दे यार, और हम तो अभी भी कहते हैं यार कोई लौटा दे, वो प्यारे प्यारे दिन कटती नहीं रहते बचपन के बिन। और जब से ये टायर लगाए ना मेरे को जो है पीछे दोची वगैरह भी कम लग रही हैं गाड़ी में,
चेक दिस आउट यार, कितना ज़्यादा बढ़िया बन गया है भाई यार। क्लैपिन हो जाए अपने आगरा के लिए यार, मज़ा आ गया भाई, मज़ा भाई। ऑफ रोड हो रहा है इस वाले टायर पर, चेकिंग हो रही है भाई, मज़ेदार काम कर रहा है एकदम ऑफ रोड में भी यार। यहाँ से निकल रहे हैं अभी हम लोग सदर के लिए। फैसल भाई को आने देते हैं। ये देखो भाई, अब अपना ग्रुप काफ़ी बड़ा हो गया, दूर दूर के लोग अपने साथ जुड़ गए हैं। ये भाई कितनी ख़तरनाक डोमिनान लग रही है यार, कितनी ज़्यादा आप लगा लो। चुका हूँ यहाँ भाई, आई लव सदर। और ये प्रथम क्या कर रहा है भाई बाइक वाली पार्किंग में? तो मेरे को बता देना। अभी फैजल भाई यहाँ से निकल रहे हैं बिकॉज उन्हें कुछ लग गया है काम। और टाइम आप देख लो भाई, 10 बज गए हैं। आज का ब्लॉग कैसा रहा? मज़ा आया? टायर कैसा लगा? अभी टायर और फर्स्ट चेंज देख लेती, सॉरी यार जाना पड़ रहा है गाइस। कोई दिक्कत नहीं है, मिलेंगे फिर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, काम है तो वही जाना पड़ेगा, काम है तो जाना पड़ेगा। फाइनली भाई को हमने होटल दिलवा दिया है और अभी टाइम आप देख लो सुबह से भाई 10:30 हो गए रात के। क्रेडिट भाई प्रथम को दूंगा, थैंक्स के प्रथम ने अरेंजमेंट कराया यहाँ पे होटल का। भाई की बाइक सामने पार्किंग में लग गई सेफ साइड। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आज सभी लोगों से मिलना होगा और साथ में छोटी सी, मतलब आपका ये कैसी चल रही है अब सर्विस के बाद डोमिनार आपकी? और राइड करेंगे और होप करते हैं दोस्तों लॉन्ग राइड पे हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे प्रथम की। मेरी राइड तो बस जल्दी से आने वाली है, टायर वायर चेंज हो गया है, छोटे मोटे एक दो काम हो रहे हैं। सो मैंने होटल दिला दिया यहाँ भाई को, हम भाई यहाँ पर छोड़ रहे हैं एंड इसके बाद हम लोग टी पे निकल रहे हैं। सो ब्लॉग यार ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, मैं सोचा इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँ। तो अभी थक भी गया हूँ, आप लोग देख रहे हो यार काफ़ी, क्योंकि रात में भी नहीं सो पाया था ब्लॉग बनाने के चक्कर में। आज वाले ब्लॉग पे दोस्तों आपने इतना प्यार दिया यार, सबसे पहले हाथ जोड़ के थैंक्स। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना है इस वाले ब्लॉग पर भी। सो खुश रहना, मस्त रहना, खाते पीते रहना, स्वस्थ रहना। मिलते हैं फिर किसी ऐसे अच्छे वीडियो के साथ। टिल देन राइट सेफ, बाय बाय।